हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलभूषण और आप देख रहे हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आप जियो फोन में किसी और सिम को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आइडिया हो, वोडाफोन या फिर रिलायंस हो, लेकिन 4G होना चाहिए क्योंकि इसमें 4G की ही हमको स्लॉट मिलेगा। तो क्या आप इसमें आइडिया 4G या फिर वोडाफोन 4G या एयरटेल 4G यूज़ कर पाएंगे? तो बस आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो मैंने वीडियो पहले बना रखी थी, उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा था, लेकिन इस बार मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो ये एक बीटा टेस्टर ने इसको चेक किया था और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो देखिए, अब इसमें ये आइडिया 4G का सिम डाल रहे हैं और इसको देखिए, बैटरी डालने के बाद इसको जब बूट अप किया तो इसमें जो पहली स्क्रीन आई उसमें आप देखिए ये लिखा रहा है, तो इसमें लिखा रहा है सिम कार्ड इज़ लॉक्ड, प्लीज़ इंसर्ट वैलिड जियो सिम। तो आप इसमें सिर्फ जियो सिम ही यूज़ कर पाएंगे। वो अलग बात है कि आप अपने आइडिया या वोडाफोन को जियो में पोर्ट करा लीजिए, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप किसी और नंबर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने जियो में पोर्ट करा लीजिए, फिर इस फ़ोन में उसको यूज़ कर लीजिए। तो बस यही मेथड है अगर आप कोई और फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहते हैं इस फ़ोन में। तो बस इस वीडियो में आपको यही दिखाना चाहता था कि आप किसी और कंपनी का सिम यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ जियो 4G ही यूज़ कर पाएंगे। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस बात के बारे में पता चल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं।